फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राजस्थान का बहुत ही पॉपुलर और फेमस स्ट्रीट फूड लहसुनिया बोंडा, जो कि बहुत पॉपुलर है वहाँ पर और बहुत आसानी से बन भी जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी मेहनत और रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताया कीजिए आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और हाँ, साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा लहसुनिया बोंडा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन जो है गैस पर रख दिया है, और अब मैं क्या करूँगी, इसमें 2 चम्मच जो है ऑयल डाल दूंगी और ऑयल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे काली राय, इसे काली सरसों भी कहते हैं, ये डाल देंगे। जब ये चटकने लग जाए तो इसमें हम डालेंगे जीरा, थोड़ी से साबुत धनिया, अजवाइन और 2 पिंच हींग। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी है और ये चटकने शुरू हो गई हैं। तेल हमारा अच्छा गर्म था। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये हमारे लहसुन, जिसे मैंने 10 से 12 कलियां ले ली थी और इस तरह से जो है ना, मैंने इसे क्रश कर दिया है। हमें इसे काट के नहीं डालना है, सिर्फ क्रश करके डालना है। और इसे भी हम सोते करेंगे, इसको लाल नहीं करना है हमने पूरी तरह से, हल्का सा सोते ही करना है। और इसी के साथ मैं डाल दूंगी 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और अब मैं इसमें डालूंगी एक छोटा प्याज इस तरह से कटा हुआ, और इसे हम हल्का सौते कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सूखे मसाले, तो हल्दी, लाल मिर्च। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर तो 2 छोटे चम्मच मैंने डाले हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई, और थोड़ा सा हम ये कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं, और नमक स्वादानुसार। तो नमक हमने यहाँ पे 2 बार यूज़ करना है, तो आप थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा। तो ये मसाला हमारा रेडी हो गया है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी, ये मेरे पास उबले हुए और मैश किए हुए आलू है। तो ये छोटे आलू थे तो मैंने 6 लिए हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस मसाले को हम आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आलू है मसाले के साथ मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो थोड़े थोड़े मोटे मोटे जो पीसेज हैं, इसे इस तरह से हम दबा दबा के पका लेंगे आलू को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो आलू है हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं। अब मैं डालूंगी इसमें 1/2 चम्मच चीनी का, थोड़ी सी मिठास होती है बोंडो में, तो ये जो है बहुत थोड़ा सा मैंने डाला है। और साथ में डाल दूंगी हरा धनिया, और इसे भी हम एक बार मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नींबू का रस, थोड़ी सी खटास के लिए। पर अगर आपके पास नींबू नहीं है तो इसकी जगह आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और गैस को मैंने बंद कर दिया है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आलू हमारे अच्छे से पक गए हैं, ये पैन छोड़ने लगे हैं, तो इसका मतलब है कि आलू आपके परफेक्टली जो है डन हो गए हैं। और यहाँ मैंने जो चीनी डाली थी, अगर आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, पसंद नहीं करते हैं तो उसकी जगह आप इसमें काजू या जो किशमिश होती है ना, उसे भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया फ्लेवर देते हैं।
तो मैं तो यहाँ नहीं डाल रही हूँ, पर आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे जो है एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा आलू का मिक्सचर जो है वो ठंडा होता है, हम बेसन घोल लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक कप बेसन लिया है, तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, नमक, नमक हम हिसाब से डालेंगे, हमने पहले आलू में भी डाला था, धनिया पाउडर, काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च। तो मसाले हम थोड़े थोड़े ही डालेंगे, और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी क्रश की हुई अजवाइन, बहुत थोड़ी सी डालेंगे, हमने पहले भी डाला था। और यहाँ मैं डालूंगी इसमें गार्लिक पाउडर, तो मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, या फिर आप लहसुन को बिल्कुल महीन पीस कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो घोल बनाने के लिए यहाँ मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, तो एक बार में हम नहीं डालेंगे, तो पहले मैं मिक्सचर को मिक्स कर लेती हूँ। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक डो रेडी कर लेंगे। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ही पानी डाल के इसको अभी इस तरह से किया है। तो अब हम थोड़ा पानी और डाल के बेसन को बहुत बढ़िया से जो है फेंट लेंगे। तो इसे जितना ज्यादा हम फेंटेंगे उतना ये अच्छा स्मूथ हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बेसन जो है हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, बहुत पतला भी नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं है, इसका रनिंग फ्लो में है ये। तो बस, और उधर हमारे आलू भी ठंडे हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो आलू है इसके हम गोले से बना लेंगे। गोलों का साइज जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा, यानी कि छोटा बड़ा जैसा भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसके बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 आलू हमने लिए थे, उससे हमारे जो है 10 बोंडे बन के रेडी हुए हैं, और अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक बोंडा हम लेंगे और इसमें हम बेसन में इसे डिप करेंगे। आप चाहे तो हाथ से या फोक या स्पून की हेल्प से भी ले सकते हैं, और सीधा इसको इसमें ड्रॉप कर देंगे। तो बस इसी तरह से हमने सारे बोंडे जो हैं वो फ्राई करने हैं। आप हाथ से डालना चाहे हाथ से डाल दीजिए, या फिर आप स्पून या फोक की हेल्प से करिए। और एक बार में आप सारे बोंडे मत डाल दीजिए, जितनी स्पेस हो उतना ही आप डालिए। तो मैं एक बार में 4 डाल दूंगी, और अभी हम इन्हें टच बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे नीचे की तरफ से, तब हम इन्हें छुएंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह से साइड से ऑयल लेंगे और इसमें इस तरह से हम डालते चले जाएंगे। तो बस जैसे ये एक तरफ से हो जाए, तो हम इन्हें क्या करेंगे, टर्न कर देंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इन्हें हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन कलर के नहीं हो जाते। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इस स्टेज पे इसे निकाल लीजिए और इसे पूरी तरह से आप ठंडा कर दीजिए, और वापस से बेसन में डिप करके दोबारा से फ्राई भी कर सकते हैं, या बिना बेसन के भी दोबारा फ्राई कर सकते हैं। और आप इसे पहले भी बना के रख सकते हैं, इस स्टेज पे देखिए आप निकाल के रख लीजिए, और जब आपके गेस्ट आए या जब खाने का मन हो आप इसे निकाल कर फ्राई करके खा सकते हैं। इसे आप 2 से 3 दिन तक इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बोंडे हमारे देखिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं।
तो इन्हें मैं निकाल लूँगी और इसी तरह से हम बाकी के हमारे बोंडे भी फ्राई कर लेंगे। तो हमारे बोंडे जो हैं बनकर रेडी हो गए हैं, मैं इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे लहसुनी बोंडा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और आई एम श्योर कि आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। इन्हें आप अपनी मर्जी से खट्टी मीठी किसी भी चटनी के साथ सर्व कीजिए। आप इसे बन के साथ या पाव के साथ या फिर आप इसे ब्रेड के साथ ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स में या जब दिल चाहे तभी जो है बनाकर खा सकते हैं और बहुत ही हल्का फुल्का स्नैक्स लगेगा ये आपको और बिना मेहनत के। तो अगली बार एक और इजी रेसिपी के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।